पर इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो दरअसल बिहार से आ रही है और खबर सामने ये आ रही है कि बिहार में छपरा में चुनाव की सुरक्षा में हुई है भारी चूक। इसका नतीजा ये हुआ है कि गोपालपुर में ईवीएम को तोड़ दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईवीएम तोड़ी गई। हालांकि ईवीएम तोड़ने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। मतदान केंद्र नंबर 131 पर यह घटना हुई है और ये वो टूटी हुई ईवीएम आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। गोपालपुर केंद्र नंबर 131 जहां पर ईवीएम तोड़ दी गई, ये टूटी हुई ईवीएम मशीन आपके सामने है। जिस शख्स ने यह हरकत की उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो किस तरीके से गोपालपुर में ईवीएम तोड़ दिया गया, ये तस्वीर आपके सामने है।